डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इनैमल पेंट्स के बारे में कि पेंट हम किसे कहते हैं उसके कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे और इनामल पेंटिंग कैसे सरफेस के ऊपर अप्लाई की जाती है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो कंटेनर है इस पर लिखा हुआ इनामल तो मार्केट में कुछ इस तरह ये आपके के अवेलेबल्स होते हैं ये पेंट जिन्हें हम क्या कहते हैं इनामल पेंट कहते हैं ये बोलता है ये जो पेंट होता है इनको आप यूज़ कर सकते हो हार्ड सरफेस के ऊपर मेनली इन्हें लार्ज इंडस्ट्रीज में यूज़ कर किया जाता है और ये एक आपका ग्लॉसी या मैट फिनिश प्रोवाइड करते हैं आपके सरफेस के ऊपर आपका मेन डिफरेंस नॉर्मल पेंट और इनामल पेंट में ये होता है कि आपका जो इनामल पेंट होता है वो मेनली आपका ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं और जो आपके एक्रेलिक पेंट होते हैं वो आपके वाटर बेस्ड होते हैं आपको इनेमल पेंट्स को जनरली हम आउटडोर में यूज़ करते हैं फॉर कोटिंग सर्फ़ेसेस और जनरली बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और ये एक आपका मैट फिनिश या फिर आपको ग्लॉश फिनिश जो है सरफेस पे प्रोवाइड करता है इनेमल पेंट आपका वेरियस वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में जैसे कि आपका ऑयल बेस्ड वाटर बेस्ड एल्काइड बेस्ड तो इस डिफरेंट फॉर्म्स में आपके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं आपके इनेमल पेंट नेक्स्ट है आपका क्या कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ इनेमल पेंट ये बोलता है कि इसमें एडिशन ऑफ आप क्या करते हो वार्निश इन ऑर्डनरी ऑयल बेस्ड पेंट ऑर्डनरी ऑयल बेस्ड पेंट में आप क्या ऐड कर देते हो वार्निश को ऐड कर देते हो इसमें आपका नाइन्टी परसेंट जो है सॉल्वेंट एंड बाइंडर्स प्रेजेंट होते हैं और टेन परसेंट जो है पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स को ऐड किया जाता है आगे ये बोलता है सॉलवेंट के तौर पर हम जिनको यूज़ करते हैं कॉम्पोजिशन के लिए वो रहते हैं आपके क्या हाइड्रोकार्बन टॉलिन कॉमा मिथाइल इथाइल कीटोन नेक्स्ट आपके बाइंडर्स होते हैं क्या वेजिटेबल ऑयल्स एल्काइड्स एंड एक्रेलिक्स विनाइल एक्रेलिक्स नेक्स्ट है आपके पिगमेंट्स पिगमेंट्स में आप यूज यूज़ करते हो क्ले कैल्शियम कार्बोनेट माइका सिलिका एंड टैल्क्स लास्ट है आपका एडिटिव्स, एडिटिव्स में आप यूज करते हो डाईटोमिस अर्थ टैल्क लाइम एंड बेराइट तो इन्हें आप यूज़ करते हो एज अडिटि फॉर मेकिंग इनामल पेंट्स नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल पेंट्स के क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये बोलता है ये हाई टेम्परेचर के लिए आपका क्या होता है सूटेबल होता है सेकेंड ये बोलता है कि ये जो पेंट होता है वो वाटर प्रूफ होता है थर्डली इस पर आपका ईजी टू क्लीन है आप ईजी से क्योंकि सरफेस स्मूथ रहता है तो क्लीन करने में आसानी होती है और ये बोलता है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है जैसे ही आप इसे सरफेस पर अप्लाई करोगे उसके कुछ देर बाद तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी इैमल पेंट्स की नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ इैमल पेंट कि क्या क्या एडवांटेजेस ये प्रोवाइड करते हैं ये बोलता है कि ये वाइड रेंज में आपके कलर अवेलेबल हैं मतलब कि आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और ये बहुत सारे वैरायटी में आपके अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीमली ड्यूरेबल ये बोलता है कि ये जो है ड्यूरेबल होता है बहुत सालों तक ये एज इट इज़ ही रहता है और कई बार आप इसे यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट है आपका इजी एप्लीकेशन ये जो प्रोसेस होता है इसको अप्लाई करने का वो इजी हो

टॉक्सिक ये बोलता है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जनरेट करता है जो कि आपका हार्मफुल होता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता जैसे ही आप इसे सरफेस पे अप्लाई करोगे नेक्स्ट है आपका इन सोल्यूबल इन लिक्विड्स ये जो है आपका लिक्विड में आपका डिजॉल्व नहीं होगा आपको क्या करना है ब्रशेज और एंड हैंड्स को क्लीन करने के लिए थिनर्स का यूज़ करना पड़ता है यदि आपका इनामल पेंट आपके हैंड्स पे लग गया है ड्यूरिंग दी प्रोसेस अप्लाइंग द पेंट ऑन सरफेस तो उस दौरान यदि ऐसा हो गया है तो आपको थिनर का यूज करना है अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए एज वेल एज पेंट आपके ब्रश को पेंटिंग ब्रश को नेक्स्ट है आपका सरफेस प्रिपरेशन फॉर इनमल पेंट या फिर आपको बोलेगा कि पेंटिंग विद इैमल पेंट हम कैसे करते हैं तो यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है सबसे फर्स्ट ये बोलता है कि प्रीवियसली जो पहले से पेंटेड आपके वुड सरफेस को आप पहले प्रॉपरली क्लीन किया जाता है एंड डस्ट को क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं सेकेंड पॉइंट में बोलता है देन आपका रिकमेंडेड जो थिनर को आप अप्लाई किया जाता है आफ्टर थिनिंग वुड प्राइमर को अप्लाई उसके बाद जो है प्राइमर को अप्लाई किया जाता है बाय यूजिंग आपका ब्रश ब्रश की मदद से आप क्या करोगे प्राइमर को अप्लाई करोगे नेक्स्ट है क्या आपका थर्ड पॉइंट ये फिर क्या करता है आफ़्टर दैट सरफेस को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए फॉर सिक्स टू एट आवर उसके बाद पुट्टी अप्लाई की जाती है सरफेस के ऊपर नेक्स्ट है आपका देन बाय यूजिंग सैंड पेपर जो आपका एक सैंड पेपर आता है जिसे हम सरफेस को घिसने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें से जो भी आपका डस्ट या लूज मटेरियल है वो रिमूव हो जाए और ये आपका सरफेस को रब करने के बाद सैंड पेपर से आप क्या करोगे सेकेंड कोट अप्लाई किया जाता है वुड प्राइमर का नेक्स्ट है उसके बाद फाइनली आपको टॉप सरफेस प्रिपेड मिलेगा और फाइनल कोट को आप क्या करोगे अप्लाई करोगे नेक्स्ट है आपका आगे ये बोलता है कि इनेमल को ब्रश की ब्रश की हेल्प से आप क्या करते हो अप्लाई करते हो और आपका आ, एक स्मूथ सरफेस आपको मिलता है या फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आगे ये बोलता है सूखने में टाइम लेता है ये जो आपका इनामल पेंट है इसीलिए जो ड्यूरेशन होता है पेंट का और ड्राई होने के बीच का उसमें हम क्या करते हैं ये ध्यान रखते हैं कि वो जो एरिया है वो डस्ट फ्री होना चाहिए फिर लास्ट में आपका क्या करोगे जनरली दो कोट ऑफ पेंट क्या होता है सफ़ीशियंट होता है और जहाँ पे आपका डार्कर शेड है वहाँ पे आप एक कोट और आपका न्यू शेड का आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इनामल पेंट को यूज़ करते हैं सरफेस के ऊपर थैंक यू